मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बैठ जाइए माता बहन सब लोग बैठ जाइए इधर प्लीज। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे सारे लोग हैं, एक बार जल्दी से ही सोना जाए जरा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई बाराबंकी वालों की आवाज क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? आज मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अर्चना मिश्रा जी, शशांक कुसुमेश जी, उपेंद्र सिंह रावत जी, राजरानी रावत जी, अभय श्रीवास्तव जी, श्री सुधीर कुमार सिंह जी, श्री संतोष सिंह जी, बैजनाथ रावत जी, छोटेलाल यादव जी, हरगोविंद सिंह जी, हरनाम सिंह जी, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र कुमार यादव जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसी डॉक्टर राम कुमारी मौर्य कुशवाहा जी। और आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर तक दिखाई पड़ा है आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्रों, आज बाराबंकी की इस भूमि को मैं प्रणाम कर अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बेलहरा बाबा साहब के मंदिर को भी शीश झुकाकर मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। शहीद ब्राइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी जी और कई क्रांतिकारी जो इस भूमि से देश के लिए जान दिए, उस सभी को मैं प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 3 चुनाव समाप्त हो चुके हैं, चौथा चुनाव होने वाला है। ये 3 चरण में उत्तर प्रदेश का नतीजा क्या है सुनना है क्या आपको? जरा जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो मैं बताता हूं, ये 3 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो चुका है और दूरबीन लेकर दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं पड़ती है। मित्रों, कांग्रेस निश्चित और 300 से ज्यादा सीटों से यहां फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, सपा बसपा के शासन में ये हमारा उत्तर प्रदेश टेरर हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता था। यहां से देश भर में आतंकवादी जाते थे। उत्तर प्रदेश दंगों का एपिक सेंटर माना जाता था और माफियाओं का कॉरिडोर माना जाता था। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, 5 साल में न आतंकवाद है, न दंगा है, न माफिया कहीं दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश को सलामत करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। आप सभी को 2015 का सिद्धौर का दंगा याद होगा, जब सिद्धौर में
दंगा होता था, बाराबंकी वाले दंगे का दंश जल रहे थे, पर अखिलेश जी सफाई महोत्सव में गाना सुन रहे थे। ऐसी सरकार चल सकती है क्या? ऐसी सरकार लाना चाहिए क्या? खालिद मुजाहिद, हकीम तारिक तास्मी के विरोध यहां जो केस हुए थे, सपा ने वापिस ले लिए। परंतु योगी सरकार आई तो उसकी पैरवी के कारण हकीम कासमी को आजन्म कारावास की सजा हुई। मित्रों, आजन्म कारावास की। आतंकवादी खालिद मुजाहिद लू लगने के कारण मारे गए, तो अखिलेश सरकार ने पूर्व डीजीपी ब्रुजलाल और विक्रम सिंह समेत 42 पुलिसों पर हत्या का मुकदमा चल दिया था। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, इन्होंने हमेशा दंगाइयों और आतंकवादियों को बचाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने अभी इंटरव्यू में कहा, किसी ने उनको पूछा कि आतंकवाद के बारे में आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा ऐसी फालतू चीजों के लिए मेरा वक्त नहीं। बाराबंकी वालों बताओ, बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या? करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? बंबई, अहमदाबाद में बम धमाके हुए, मोदी जी मुख्यमंत्री थे और 30 लोगों को फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना दिया गया है। और अखिलेश बाबू और प्रियंका बहन को ये फालतू चीज लगती है। अखिलेश बाबू, जिस बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई, वो आपके लिए फालतू हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो आतंकवादियों को फांसी कराने से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। मित्रों, हो नहीं सकता। मैं आज बताने आया हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में निजाम का राज चलता था। जब अखिलेश जी का निजाम था ना, तो यहां निजाम का राज चलता था। निजाम का मतलब क्या है भाई? एन से है नसीमुद्दीन, जोर से बोलो कौन? ई से है इमरान मसूद, कौन? ए से है आजम खान, कौन? और एम से है मुख्तार अंसारी। मित्रों बताओ तो आजम खान कहां है? जोर से बोलो कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर गलती से भी बाराबंकी वालों ने साइकिल की सवारी करी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? तुरंत बेल पे बाहर आएंगे। और योगी जी की सरकार आई तो उनको जेल से बाहर कोई निकाल नहीं सकता। मित्रों, निकाल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की सलामती के लिए उत्तर प्रदेश को दंगे और आतंकवाद से, सुनो, दंगों और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर समाजवाद के नाम पर जातिवाद की राजनीति करी, परिवारवाद की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी, मगर कभी भी पिछड़ों का भला नहीं किया, गरीबों का कल्याण कभी भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,67,00,000 माताओं को
फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42,00,000 गरीबों को आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। 2,54,00,000 किसानों को 37,521 रुपया प्रति साल 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों टीका लगाए नहीं लगा है, कुछ पैसा देना पड़ा है क्या, देना पड़ा है क्या, टीका भी लगाया ऊपर से सरकार ने कॉफी पिला कर वापिस भेजा, ठीक है ना। जब ये टीका ढूंढ लिया गया तो अखिलेश ने ट्वीट किया मत लगाइए टीका, ये मोदी का टीका है। मगर डरकर 15 दिन के बाद गुपचुप उन्होंने भी टीका लगा दिया भाई। मुझे बताओ भारत मंत्री वाला, अगर मोदी जी टीका न लगाते तो आप तीसरी लहर में हम सुरक्षित रहते हैं क्या, बताओ भाई, पीछे वाले बताओ रहते हैं क्या। मोदी जी ने टीका लगाकर देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों नरेंद्र मोदी माताओं भाइयों बहनों मैं आपको बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को योगी जी ने ठीक ठाक किया है। डकैती में 72% की कमी आई है, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई, अपहरण में 29% की कमी आई है और बलात्कार के मामलों में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। भाइयों बहनों अगर अखिलेश सरकार आई तो ये जो रोड बन रहे हैं वो बनेंगे क्या, बताओ बनेंगे। फिर से वो समाजवादी इत्र वाले के वहां करोड़ों रुपयों की नोटों की गड्डियां पकड़ी जाएगी, गड्डियां पकड़ी जाएगी। आपके घर में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कभी भी 24 घंटा बिजली आती थी क्या, बाराबंकी वालों बोलो पीछे भी बोलो भाई, बिजली आती थी क्या। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरों में 24 घंटा और गांव में 22 घंटे से ज्यादा बिजली लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 18 से ज्यादा सिंचाई योजनाओं को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और किसानों को 6,000 रुपया चेक से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं भाइयों बहनों युवाओं मुझे बताओ ये तस्वीर हमारा भारत का अभिनंग है या नहीं, जोर से बोलो पीछे वाले कश्मीर है या नहीं है। कश्मीर में से जब धारा 370 हटाने का प्रस्ताव आया 5 अगस्त 2019 को, ये अखिलेश बाबू ने कहा कि अगर धारा 370 हटाओगे तो देश में खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू किसको डराते हो भाई, हम डरने वालों में से नहीं है।
5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 11370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, अरे खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने की हिम्मत। जब सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। माताओं भाइयों बहनों, आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, देश में भाजपा की सरकार आई, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि क्या फर्क पड़ता है, वो भूल गए ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। पूरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है मित्रों, दंडित किया जाता है। मुझे बताओ बाराबंकी वालों, मुझे बताओ सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? यूपी को सलामत बना सकती है क्या? देश को समृद्ध कर सकते हैं क्या? देश को समृद्ध और सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों। बाराबंकी वालों, मुझे बताओ चुनाव में बटन किस चिन्ह पर दबाओगे? माताएं बहने भी बताए, किस चिन्ह पर दबाओगे? कमल पर दबाओगे? भाजपा को जिताओगे? कुशवाहा बहन को जिताओगे? पक्का वचन बहुमत से जिताओगे? 300 पार की सीटों की लड़ाई लड़ोगे? पक्का योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।